कब्रिस्तान पे पहुंचे तो भीड़ हो गई थी, उस समय उसे कंट्रोल किया गया। कुछ लोगों के द्वारा जो नारेबाजी की गई है उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी भी पुलिस बल की जरूरत महसूस की जा रही है कि जिले में नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। सब जगह पूरा शहर जो है, पूरा जनपद, सभी कस्बे बिल्कुल नॉर्मल हैं और पूरा मोहम्मदाबाद भी इस समय नॉर्मल है। केवल यहाँ थोड़े से लोग हैं जो अभी जोहर की जो नमाज होगी उसके बाद मिट्टी, क्योंकि एक रिचुअल है इन लोगों में, उस रिचुअल को जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से ये अपना करते रहेंगे। जो भी नमाज होगी उसके बाद मिट्टी डालते रहेंगे। फिलहाल यहाँ परिजन अपना अंदर हैं 10-15 लोग, वो डाल के वो भी जा रहे हैं। तो उसका उल्लंघन करने पे कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे समर्थक दूर से आए हैं, उनसे क्या अपील करेंगे मैम? किस तरह का जो समर्थक आए थे, नारेबाजी वगैरह कर रहे थे? नहीं, देखिए जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिस जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया है उसके विरुद्ध हम लोग FIR दर्ज कराएंगे।